वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के एक युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज शाहबाज अहमद के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शाहबाज अहमद के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 12 दिसंबर 1994 को हरियाणा के मेवात जिले में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 28 वर्ष के हैं। दोस्तों, यदि बात करें शाहबाज अहमद के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में, तो आपको बता दें कि शाहबाज अहमद शुरुआत में गुड़गांव के लिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए, लेकिन इन्हें हरियाणा टीम में जगह नहीं मिल पाया। इसलिए साल 2015 में शाहबाज अहमद क्रिकेट में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हरियाणा छोड़ बंगाल शिफ्ट हो गए। वहाँ पर इन्होंने कुछ वर्षों तक बंगाल के तमन मेमोरियल क्लब में क्रिकेट खेला। फिर वहीं से इन्होंने 20 सितंबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। फिर 14 सितंबर 2018 को इन्होंने रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि फिर इन्होंने 24 फरवरी 2019 को हरियाणा के खिलाफ ही 2019 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए अपना T20 डेब्यू किया। यदि बात करें इनके IPL कैरियर के बारे में, और दोस्तों आपको बता दें कि 2022 के IPL में इन्हें RCB की टीम ने 2.4 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है और यह काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने राजस्थान के खिलाफ हुए मैच में 26 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम के जीत में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, यदि बात करें शाहबाज अहमद के कैरियर टर्निंग पॉइंट के बारे में, तो आपको बता दें कि जनवरी 2021 में हैदराबाद के खिलाफ हुए रणजी ट्रॉफी मैच में बंगाल के लिए इन्होंने हैट्रिक विकेट लिए और उसके बाद इस बल्लेबाज ने हेडलाइंस बटोरी और टीम के जीत में अहम भूमिका भी निभाई थी। शाहबाज ने अपनी पारी में कुल 4 विकेट झटके थे और टीम को जीत दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहबाज अहमद रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए हैट्रिक लेने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए थे। यही मौका इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी मैच के बाद यह सभी के नज़रों में आ गए थे। दोस्तों, यदि बात करें शाहबाज अहमद के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका हाइट है करीब 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच, वहीं इनका वजन है करीब 60 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहबाज अहमद RCB के लिए जब खेलते हैं तो इनका जर्सी नंबर है नंबर 21। वहीं दोस्तों, बात करें इनके हॉबीज़ की, तो इनकी हॉबीज़ है ट्रैवलिंग और क्रिकेट खेलना। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहबाज अहमद के फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनके फेवरेट बैट्समैन है MS धोनी, वहीं इनके फेवरेट बॉलर हैं रविंद्र जडेजा। यदि बात करें इनके फेवरेट एक्टर के बारे में, तो इनके फेवरेट एक्टर हैं सलमान खान। वहीं दोस्तों, इनके फेवरेट एक्ट्रेस हैं अनुष्का शर्मा। यदि बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि ये अभी अनमैरिड हैं, वहीं फ़िलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रहे। दोस्तों, यदि बात करें शाहबाज अहमद के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 4 करोड़ रुपये। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक हुंडई क्रेटा कार है। तो दोस्तों, यह थी शाहबाज अहमद के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।